वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। ब्रेक में जाने से पहले हमने समझा कि सीए क्या है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और फाउंडेशन के बारे में, मतलब अभी तक हमने जाना, और अब हम चर्चा करेंगे फाउंडेशन क्वालिफाई करने के बाद में जब हमको इंटरमीडिएट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। तो मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगा कि इंटरमीडिएट के बारे में स्टूडेंट्स को जानकारी दें कि क्या पेपर्स हैं जो हमको क्वालिफाई करने हैं और किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, कितने दिन पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि आप लोगों की तरह ये लोग भी, मतलब ये कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर पाए। तो बताइए पीयूष। ओके, सो फाउंडेशन का रिजल्ट आ जाता है आपका विद इन 2 मंथ्स या विद इन 1 मंथ आपका रिजल्ट आ जाता है, राइट? तो खुश हुई है, लेकिन ज़्यादा खुश मत हुई है क्योंकि अब नेक्स्ट पड़ाव आने वाला है। वेरी गुड। इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप, Correct. और इसके लिए आपको टाइमिंग मिलता है 9 मंथ्स का। सिर्फ 9 मंथ्स का टाइम मिलता है। आपको दो ग्रुप निकालने होते हैं या फिर आपका ऑप्शन होता है कि आप एक एक ग्रुप करके निकालिए, उसमें कोई इशू नहीं है। बट ये एक बहुत चैलेंजिंग, और क्योंकि दिक्कत ये है कि अब फाउंडेशन तो क्लियर हो गया, अब नेक्स्ट लेवल पे कौन कौन से टीचर्स पे जाना है, क्योंकि अब फाउंडेशन तो ठीक था, आपका 12th का भी थोड़ा बहुत उसमें वो था इन्वॉल्वमेंट या वो भी थी। अब इंटरमीडिएट में होता है कि यार थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी कर लेते हैं और थोड़ा बहुत कोचिंग पर चले जाते हैं, तो वो चीज़ आपको वो बहुत कंफ्यूजिंग होती है कौन से टीचर पे जाएं, कौन सा टीचर बेस्ट है, वो चीज़ें में बहुत टाइम लगता है। तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो विधान बताएगा। इंटरमीडिएट में हम जब एनरोल, मतलब फाउंडेशन क्लियर करने के बाद हम इंटरमीडिएट के लिए एनरोल करते हैं, तो हमारे पास 8 सब्जेक्ट्स एज अ चैलेंज सामने आते हैं। तो सबसे पहले डिसाइड हमें ये करना है कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, कि हम ग्रुप, दोनों ग्रुप्स 9 मंथ्स में प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं। अगर हम कर सकते हैं तो बिल्कुल हमें ट्राई करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट ऑलमोस्ट 20% तक रहता है, उससे ज़्यादा बच्चे पास नहीं होते। दैट्स लाइक 100 बच्चे बैठे हैं तो 20 ही पास होंगे, ये हार्श रियलिटी है और ये आपको ध्यान रखनी है। आप, यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट इन दैट 20%। तो ये ध्यान रखते हुए अगर आप क्लियर कर सकते हैं, उसमें आ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो आप दोनों ग्रुप लीजिए। अब उसके हम ग्रुप वन के सब्जेक्ट्स बताएंगे। सबसे पहले आपका आता है अकाउंट्स, अकाउंट्स कहते हैं जैसे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनल में हो जाता है वो, और उसके बाद आता है लॉ, लॉ के बाद आता है आपका कॉस्टिंग, एंड कॉस्टिंग के बाद आता है एक और सब्जेक्ट ऑडिटिंग। ये फर्स्ट ग्रुप आपके सब्जेक्ट्स हैं। सेकंड ग्रुप के सब्जेक्ट्स, सेकंड ग्रुप में आ जाता है आपका, पहले एक होता है ऊपर गया हमारा अकाउंटिंग, अब नीचे आ जाता है एडवांस अकाउंटिंग, एडवांस्ड, जहाँ पे आपका इंश्योरेंस पढ़ाया जाता है, आपको तरह तरह की नए नए NBFC चीज़ें, बायबैक, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। फिर उसके नीचे आ जाता है SFM, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहाँ पे आपको फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं। फिर डायरेक्ट टैक्स आता है और फिर आता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हमारा इनकम टैक्स पढ़ाया जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में हमारा सिर्फ GST आता है। ये भी बेसिक लेवल है, इंटरमीडिएट पे यही पढ़ाया जाता है, कुछ पार्ट उसका पढ़ाया जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आता है उसमें। फिर तो और कोई सजेशन देना चाहेंगे इनकी तैयारी कैसे करनी है इन बच्चों को, और कैसे तैयारी करें ताकि एक ही अटेम्प्ट में ये निकल जाएं दोनों ग्रुप? अगर हम दोनों ग्रुप लगाना साथ में देना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास 9 मंथ्स का टाइम होता है। तो सबसे पहला काम है आपको कि सब्जेक्ट डिसाइड करना है कौन सा आप अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा पहले कहा कि अगर आपके बेसिक अच्छे थे और आपको मज़ा आता है पढ़ने में, वो चीज़ें समझ आती हैं, तो आप अपने आप भी प्रिपेयर कर सकते हैं एक किसी भी सब्जेक्ट को। और फिर आपको डिसाइड करना है किस किस सब्जेक्ट की कहाँ कहाँ कोचिंग लेनी है, और ऐसे प्रिपेयर करना है कि आपका टाइम मैक्सिमम सेल्फ स्टडी के लिए बचे। आप पूरे दिन कोचिंग में बैठे या अपनी लैपटॉप के सामने बैठे, दैट्स नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सेल्फ स्टडी ही काम आती है। तो बेटर रहेगा कि आप शुरुआत से प्लानिंग करें, एक टारगेट सेट करें। टाइम मतलब देना चाहिए एक दिन में बच्चे को, अगर उसे बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करनी है, बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन आप धीरे धीरे प्रेशर लेना शुरू करें। मतलब ये नहीं कहूँगा कि पूरे 9 मंथ्स आप थ्रू आउट एक ही शेड्यूल फॉलो करें, उससे वो काफ़ी बोरिंग हो जाता है और फिर आपका एक टाइम पे आके आप नहीं कर पाते, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो वो नहीं पॉसिबल है। आपको मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना है अपनी, काफ़ी ज़्यादा अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान देना है। तो ये सब चीज़ें मिला के ही आप अच्छी प्लानिंग कर पाते हैं और उसके बाद आगे क्लियर कर पाते हैं। तो टाइम अगर मैं कहूँ तो बेसिकली शुरुआत में आपको इंक्लूडिंग कोचिंग 6 to 8 आवर्स देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग कोचिंग जिसमें 3-3 घंटे की कोचिंग होती है करीब। तो ऐसे करके कोचिंग के साथ दो घंटे और सेल्फ स्टडी के लिए, होमवर्क या जो आपको कोचिंग में मिला वो रिवाइज करने के लिए, क्योंकि रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको आगे बिल्कुल याद नहीं रहेगा या रिकॉल भी नहीं कर पाएंगे आप उसे। फिर जब आपकी कोचिंग्स खत्म होती हैं उसके बाद आपको कम से कम 8 घंटे रेगुलर देना है। अब वो आप ब्रेक्स में दीजिए,
मतलब ब्रेक्स, आई वुड रिकमेंड कि ब्रेक्स में करें, क्योंकि मोनोटोनस हमें नहीं बनाना है किसी भी चीज़ को, ब्रेक्स करके करेंगे तो आपको बेटर रिटेंशन होगा और अच्छे से याद रख पाएंगे चीज़ें, तो वो हेल्प करेगा आपको। वो चीज़ है ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो हमें धीरे धीरे चालू करना है, धीरे धीरे हमें पहले सब्जेक्ट की कोचिंग चालू। और बात ये कि हम नोट्स स्टार्टिंग से बनाते रहें, उसे कैजुअली ना लें कि हाँ भाई एक्टिवा मिल गई हाथ में अब तो घूमेंगे, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक्टिवा आपको मिली है, आप जाइए कोचिंग, कोचिंग में नोट्स लीजिए, घर पे आकर उसका होमवर्क, एटलीस्ट होमवर्क वहाँ तक का कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो जब वो पेंडिंग होता जाता है एक के बाद, तो वो लास्ट में बस ये होता है कि बस पास हो जाए, फिर वो होता है कि देखेंगे दाम भरोसे, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो धीरे धीरे आप उसका होमवर्क करते जाइए हर डे पे, और जो संडे का टाइम मिलता है उसमें आप थोड़ा 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 पढ़ते जाइए, और जब आपको लास्ट में जब आपकी सारी कोचिंग कंप्लीट हो जाती है तब आपको अपना थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ ब्रेक दे दे के बीच बीच में, आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि सिर्फ रटने के लिए पढ़ना है, क्योंकि रट के आप नहीं पास नहीं कर पाएंगे। तो ये बोथ ग्रुप की अगर हम कोचिंग की बात करें तो कितना समय लग जाता है बोथ ग्रुप की कोचिंग कंप्लीट करने में? सर वो टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, बाकी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपकी अगर 9 months है तो एटलीस्ट 2 months या 3 months पहले तो आपकी सब खत्म हो जाना चाहिए, बस में 2-3 महीने होने चाहिए उसको रिफ्रेश करने के लिए, उसको रिवाइज करने के लिए चीजों को। अगर हम शुरू कर रहे हैं तो उसको हमारे को पेपर पे रिटन होना चाहिए अपना फर्स्ट डे से कि मेरे को किस दिन तक कोचिंग खत्म करनी चाहिए, इंक्लूडिंग जो मैं ब्रेक्स लूंगा, मतलब 10-15 दिन की छुट्टियां काउंट करके आप एक टारगेट बनाइए। मतलब ये हुआ कि एक प्लैंड मैनर में आपको अपनी तैयारी करनी है, लिमिटेड टाइम है आपके पास में 9 months का, और 9 months के अंदर आपको 8 papers को प्रिपेयर करना है, और उसके अंदर भी सब ग्रुप भी है मैं समझता हूँ, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड चेंजेस हैं, अमेंडमेंट्स हैं, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, सो यू हैव टू डू द एंटायर थिंग्स इन ए वेरी प्लैंड मैनर। आपको कोचिंग भी करनी है, कोचिंग में आने जाने में जो टाइम है वो भी वेस्ट करना है, दोस्ती यारी में भी टाइम वेस्ट करना है, और उसके बाद में अपने आप को मतलब 3 महीने पहले तो एटलीस्ट मतलब यू हैव अ टाइम कि आपके पास में 8 subjects है लेकिन आपके पास में 6 महीने का टाइम है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, और उसके बाद में 3 महीने आपको बोथ ग्रुप अगर देना है तो मैं समझता हूँ इट इज़ रिकमेंडेड कि इट शुड नॉट बी लेस देन 3 months, आपको 3 महीने तो कम से कम जान लगाना ही पड़ेगा, और दैट्स वेरी ग्रेट, मतलब बट दैट थिंग विल मेक यू स्ट्रॉन्ग इनिशियली कि हाँ हमने अब 8 subjects कर लिए तो अब आगे भी हम चल सकते हैं। तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट निकल कर आ रही है कि अगर आपको सीए करना ही है और सही मायने में सीए करना है और रियल साइंस में सीए करना है, और जबकि हम ये देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट जो है 20% से ज़्यादा नहीं जाता है, तो आपको बहुत प्लैंड मैनर में मतलब 10th के बाद या 12th के बाद ही अपना ये टारगेट बना लेना पड़ेगा, और इमीडिएटली फाउंडेशन करने के बाद में फिर पीयूष ने ही हैज़ वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि अब आपको ज़्यादा खुश नहीं होना है कि मतलब मेरा फाउंडेशन एक बार में हो गया तो चलो जी अब महीने दो महीने नहीं है आपके पास में, 2-4 दिन ही है, और 2-4 दिन के बाद में यू स्टार्ट द प्लानिंग, 8 papers को कैसे पढ़ना है, कोचिंग को कैसे मैनेज करना है, और उसके बाद में ऐसे कि हमारे पास में एटलीस्ट 2-3 महीने का टाइम बचे तब हम जाके इंटरमीडिएट को अच्छे से निकाल सकते हैं। दैट्स वेरी गुड, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन विच वी आर हैविंग विद ऑल द टू इंटेलिजेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विद मी हु आर यंग एंड एनर्जेटिक एंड स्मार्ट। तो चलिए यह हमारा डिस्कशन हम कंटिन्यू करते हैं, इसके बाद आता है ट्रेनिंग पार्ट, है ना, वंस यू हैव क्वालिफाइड द इंटरमीडिएट एग्जाम्स, बिकॉज अगर मैं एक बात कहूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में सबसे बड़ी खूबसूरती ही ये है कि इट्स ए ब्लेंड ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज एंड देन क्वालिफाइंग द एग्जाम्स, सो ऑल दीज आर वेरी रेलिवेंट। तो अब मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग का एरिया है जिसको हम लोग आर्टिकलशिप कहते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके बाद में आई थिंक जब हम इंटरमीडिएट हो जाता है तो हमारे को 2.5 साल मिलते हैं फाइनल एग्जाम देने के लिए, यू हैव नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द फाइनल एग्जाम्स एंड टू अपीयर, और अब आपकी आर्टिकलशिप और ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, तो अब इसके बारे में आप लोग बताएँ कि क्या किस तरीके से, आई मीन द सिलेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल, और वहाँ पर कितनी रेलिवेंट है आर्टिकलशिप ट्रेनिंग और रेलिवेंट नहीं है, देर मे बी 2 different opinions, और हमारे इन टू क्वालिफाई द एग्जाम्स एंड टू मेक अस अ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो दैट इज़ द इशू नाउ बिफोर बोथ ऑफ यू कि आप आर्टिकलशिप के बारे में अपनी अपनी ओपिनियन बताएं। सबसे पहले हम क्रोनोलॉजिकली चलेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा इंटरमीडिएट ग्रुप दोनों ग्रुप क्लियर हुए अगर तो हम राइट आफ्टर दैट रिजल्ट हम अप्लाई कर सकते हैं आर्टिकलशिप के लिए, बट अगर हमारा एक ग्रुप क्लियर हुआ है तो भी हम आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट, आर्टिकलशिप में अगर
आप ज्वाइन करते हैं तो 2.5 साल का टाइम होता है, उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं कि आप फाइनल का एग्जाम दे सके, उससे पहले आप नहीं दे सकते। तो इट्स बेटर टू क्लियर एटलीस्ट वन ग्रुप। करेक्ट, मतलब अगर आप नहीं दो ग्रुप दे रहे हैं तो आप वन ग्रुप ऐसा प्रिपेयर करिए कि आप आगे अपनी आर्टिकलशिप ना डिले करें, जिससे आपका फर्स्ट ग्रुप निकले तो आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली मतलब 2-3 साल पहले ये चेंज किया है पैटर्न, तो इसका फायदा उठाना चाहिए। और एक ग्रुप करके इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके बोथ ग्रुप निकल गए हैं तो फाइनल के लिए 2.5 साल का समय मिलता है। एक ग्रुप के बाद निकला है आपने आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली, लेकिन टाइम तो 2.5 साल का है, लेकिन इन बिटवीन आपको फिर वो दूसरा ग्रुप जो नहीं निकला है वो भी निकालना पड़ेगा, तो आपका कहीं ना कहीं वो फाइनल का टाइम शॉर्ट होता जाता है। करेक्ट। और बताइए बाकी। अब आता है प्रिंसिपल चूज करना। अब यहाँ पे भी दो ऑप्शन आते हैं कि एक होता है बिग फोर में जाइए आप दिल्ली, ये बड़ा आजकल क्रेज है बच्चों में कि मतलब हमें बिग फोर में जाना है। तो दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं यहाँ पर हम लोग किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहेंगे, बट ये अपनी अपनी चॉइस है कि वेदर टू गो इन बिग फोर या फिर कोई मीडियोकर फर्म को चूज करना है, तो दैट यू कैन बेटर टेल। वो आप आई बिलीव इज कि अगर आप बिग फोर की तरफ प्लान करते हैं तो आप एक तरीके से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, कुछ फील्ड्स आप मिस कर जाते हैं वहाँ पे जाके। फॉर एग्जांपल आपने आर्टिकलशिप चूज करी किसी बिग फोर में या टॉप 10 में भी करी, और उसके बाद आप ऑडिटिंग डिपार्टमेंट में घुस गए, तो वहाँ से आपकी फील्ड्स काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो गई। यू डोंट नो मच अबाउट टैक्सेशन, यू डोंट नो मच अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेशन और डायरेक्ट और इवन ट्रांसफर प्राइसिंग, और कुछ भी आपको मतलब नॉलेज नहीं होगी ऑडिटिंग की, होगी स्पेसिफिक हो जाएंगे आप काफ़ी, जो कि मेरे को नहीं लगता कि आपको अपने लर्निंग टाइम में ये चीज़ें ऐसे रखनी चाहिए। मतलब यू शुड बी ओपन टू एवरीथिंग व्हाइल यू आर इन योर आर्टिकलशिप पीरियड। तो इसलिए मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप बिग फोर ना छोड़ के, टॉप 10 ना छोड़ के, आप किसी टीयर 2 फर्म में जाएं, जो मतलब प्रिंसिपल आपको सब चीज़ें सिखाए, उसमें कोई पर्सनली आपको चीज़ें सिखाए और आपको डील करने का मौका मिले क्लाइंट से, तो वो बेटर हेल्प करता है काफ़ी। तो इसलिए हमें बहुत वाइजली चूज करना है, क्योंकि ये जो 2.5-3 साल का पीरियड है इसमें जो हम सीखेंगे वो हमारा लाइफ टाइम, हमारा तरीका सेट करेगा कि हम कैसे आगे अपने आप को लर्निंग लेते हैं और आगे कैसे देते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी ट्रेनिंग कैसे सेलेक्ट करनी है। बाकी हम तो क्यूरियस ही तो रहते हैं, हम इंटरमीडिएट में निकले, हमने तो सारे सब्जेक्ट पढ़े, हमें पता ही नहीं है कि अब वैसे भी कन्फ्यूजन होता है कि कौन से सब्जेक्ट में जाएँ, अब ऑडिटिंग में जाएँ, टैक्सेशन में जाएँ। तो मेरा जो अब मैंने डिसाइड किया था, तो मैं वो बहुत क्यूरियस था भाई डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, ऑडिटिंग में क्या होता है, मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने जो अपना मेंटेलिटी बनाई, वो मैंने बनाया पहले एक बार देख लेते हैं, टीयर 2 में जाते हैं और देखते हैं कि फर्म में वहाँ पे काम होता कैसे, क्या क्या है, कि अपील में क्या होता है, ऑडिट में क्या होता है, आपका टैक्सेशन में हमें किसी कंसल्टिंग देनी है तो कैसे होगा, वो चीज़ें आती हैं। बाकी फिर हम प्रिंसिपल चूज़ करने पर आते हैं। प्रिंसिपल भी अब आपको जगह जगह आपको होगा कि आप किसी टीचर से पूछोगे, फिर आप किसी टीचर से पूछोगे। हमने जब एक टीचर से पूछा था तो फिर हमें एक ही नाम मिला था, तो हम फिर एक ही द्वार पे चले गए थे मल्होत्राइजेशन कंपनी में। तो हम वहाँ पे गए और वहाँ पे हम गए तो हमने देखा कि वहाँ पे जो वर्क इन्वायरमेंट है, जो तरीका है काम करने का, वो बहुत अलग है। और हम सर के पास गए, सर ने कहा कि हाँ, सर ने हमारा इंटरव्यू वगैरह लिया बढ़िया से, और सर ने कहा कि आप आइए, आप सीखिए। और 3 साल जो अभी हमें ख़त्म होने वाले हैं उसमें मैं मानता हूँ कि हमें पता नहीं चला टाइम का, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें थी, इतने सारे डिफरेंट फील्ड्स थे, और पर्सनल टच सर से कि कुछ भी है तो सीधा सर के पास चले जाओ, जितना स्टूपिड क्वेश्चन हो तब आप सर के पास चले जाओ, सर उसे आपको बैठाएंगे, समझाएंगे, वो चीज़ है। तो प्रिंसिपल चूज़ करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि आपको पहले आपको देखना है कि किसके पास थोड़ा कैसा काम है, क्या काम है, वो आपको आपके टीचर्स बता सकते हैं, आपके फादर मदर जो भी आप सही समझते हो उनसे आप पूछ सकते हो, वो चीज़। वेरी गुड। दिस इज़ ऑल, आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकलशिप एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन, वन शुड से कि बहुत अहमियत रखती है ट्रेनिंग आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में और आपको एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने में। नाउ समथिंग अबाउट फाइनल एग्जामिनेशन, और उसके बाद मुझे अभी पता लगा है कि कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के, तो हम डायरेक्ट वो क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन इससे पहले हम बहुत जल्दी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो हम थोड़ा सा जानेंगे फाइनल के बारे में। फाइनल के बारे में अगर हम सोचें तो सबसे डिफ़िकल्ट, इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद अब आपकी एक्चुअल और सबसे टफेस्ट पार्ट इस कोर्स का शुरू होता है। नाउ यू हैव टू मैनेज द ऑफिस एंड योर स्टडीज विद इन द पीरियड ऑफ 2.5 साल। लगेगा 2.5 साल बहुत ज़्यादा है, बट टू कवर दोज 8 सब्जेक्ट्स, ईच सब्जेक्ट रिक्वायर्स एटलीस्ट 3-4 मंथ्स टू कवर विद योर कोचिंग्स। तो उस हिसाब से देखें तो हमें 24 महीने तो चाहिए, मतलब 2 साल तो हमारे
सिर्फ कोचिंग के ही चाहिए हमें, अगर हम सारे सब्जेक्ट्स कोचिंग से प्रिपेयर कर रहे हैं तो। और उसके साथ आपको ऑफिस भी मेंटेन करना है, जिसमें आपके टाइमिंग्स कभी कभी एक्सटेंड भी हो जाते हैं लेट नाइट्स तक, तो वो उस चीज़ से हमें नहीं डरना है कभी भी कि लेट नाइट तक हमें रुकना पड़ रहा है ऑफिस में, क्योंकि वही चीज़ है जो प्रेशर डील करना सिखाएगी आपको। फाइनल में आपका प्रेशर जैसे जैसे एग्जाम नियर आते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अगर आपको आदत ही नहीं है वो प्रेशर डील करने की, तो आप मेरे ख्याल से बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए जैसे इंटरमीडिएट में करा है, वैसा ही हमें फाइनल में करना है कि एक टाइम स्लॉट रख लिया कि इतने में कोचिंग ख़त्म करनी है तो हम करनी है। उस में हम ये भी देखेंगे कि हमारा कितना हम डेज मिस करेंगे अपने, और काफ़ी चीज़ें मतलब सब चीज़ों को कंसिडर करके एक प्लान बनाना है, नॉट जस्ट कि एक मतलब अनअचीवेबल प्लान नहीं रखना है, बिल्कुल रियलिस्टिक प्लान बनाना कि हाँ मैं इतने में कर पाऊंगा और तभी करना है। तो 8 सब्जेक्ट्स मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर जब हमने 9 महीने में हमने इंटरमीडिएट के बहुत ग्रुप निकाले, तो अब 2.5 साल का तो एक बहुत लंबा समय हमको मिल गया है। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट बात केवल यही है कि हम उस 2.5 साल के समय में अगर साल भर तो का तो हम भूल ही रहे हैं कि हमको एग्जाम देना है, और साल भर बाद हमको याद आता है कि हाँ हाँ हमको एग्जाम भी देना है, तो हाँ वही। तो अब अच्छा सब्जेक्ट्स तो वही ऑलमोस्ट जो थोड़ा अपग्रेडेशन हो जाता है, थोड़ा नहीं काफी काफी होता है, एवरीथिंग गेट्स 10 टाइम होता है, मैं समझता हूं कि तो सब्जेक्ट हो जाता है डिफिकल्ट 10 टाइम्स। अब आप उनको पता है कि आप सीए बनने वाले हो तो सारा प्रेशर वो आपके ऊपर है, वो आपको एक क्वालिफाइड एक बढ़िया सीए बनाना चाहते हैं तो आपको सब कुछ पढ़ाते हैं वो A to Z आपको छोटे से छोटे टैक्सेशन के मैटर्स से लेके बड़े से बड़े क्वेश्चंस भी इतने ज्यादा ट्रिकी हैं, बहुत ज्यादा जब तक आपकी थोरो स्टडी नहीं है या कोई सेलेक्टिव स्टडी से काम नहीं जाओ, प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, दैट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने अपने हाथ से अगर चीजों को करा हुआ है तभी आप उसको क्वालिफाई, मैं समझता हूं, कर पाएंगे। वही जो आपने ट्रेनिंग में आपने कहा ना कि आपने सब जगह सारे सब्जेक्टों को थोड़ा क्यूरियस होकर देखा, अपने हाथ से करा उस काम को, तो आपको थोड़ा रेलिवेंस पता चलता रहेगा कि हाँ भाई ये आया क्यों है, ये करा क्यों है, ये हमें पता चलता है, जानना कि कोई अमेंडमेंट अगर है तो क्यों है वो अमेंडमेंट, और जब तक हमें वो बैकग्राउंड नहीं मालूम है कि पहले क्या था और बाद में क्या हुआ वो, तब तक इश्यूज क्या फेस किए इस अमेंडमेंट से पहले हमने, या पर्टिकुलरली अगर मान लीजिए कोई कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो जब तक हमें केस के फैक्ट्स नहीं मालूम है, लॉ के बारे में नहीं मालूम है, तब तक हम जो है वो। और अब इंस्टीट्यूट आई थिंक इट इज गोइंग टू बी मोर ऑन प्रैक्टिकल, कई बार तो इंस्टीट्यूट में ये भी बात आती है कि हम व्हाई नॉट आस्क द क्वेश्चन डायरेक्ट ऑन द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस की भी बात आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में ये बताइए कि इस पर्टिकुलर डिसीजंस के अंदर क्या फैक्ट्स थे और क्या कोर्ट ने डिसाइड किया। हाँ ये अभी स्टार्ट हो गया है, जैसे मैंने इंटरनेशनल टैक्सेशन में दिया था, राइट, वहाँ पे पेपर वहाँ पे आपको दे दिया कि आप ओपन बुक है, आप बुक खोल लीजिए, ओपन बुक, हाँ ये भी एक कॉन्सेप्ट, आप बुक खोल लीजिए, आप बुक खोल के चीटिंग कर लीजिए, आप वहाँ पे कर ही नहीं पाएंगे, बट हाँ ढूंढते रह जाएंगे, आप कर ही नहीं पाएंगे। आपको अगर ये लग रहा है आपको ये मालूम ही नहीं कि मुझे ढूंढना कहाँ पर है, वो आपको पता ही नहीं है, और आपने पढ़ा हुआ नहीं है, आपने कहा कि ओपन बुक है तो हम पढ़ के ऐसी कर जाएंगे, वो चीज नहीं है वहाँ पे। आपको पूरा कोटेशन देके आना पड़ेगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे केस ये लगेगा, यहाँ पे आपके फैक्ट्स ये है, कंक्लूजन ये है, तब तक वो आपको मार्क्स नहीं देंगे किसी भी हालत में, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल के 8 सब्जेक्ट्स में से एक हमारा इलेक्टिव सब्जेक्ट आता है, जिसमें आपके पास शायद 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 choices हैं, और 6 के 6 ओपन बुक एग्जाम्स हैं, तो आप कोई भी सब्जेक्ट जो आपका इंटरेस्ट हो, ये सिर्फ इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने के लिए दिया हुआ है कि आपको बुक भी मिलेगी, बट हाँ इंटरेस्ट है तभी आप उसको समझ पाएंगे और आंसर कर पाएंगे एग्जाम में जाके, क्योंकि आपको ले जानी 4-5 books आप जितनी ले जाइए एग्जाम में, बट इट स्टिल गेट्स डिफिकल्ट एट दैट टाइम कि आप पूरी पूरी केस स्टडीज पढ़ें, उसको इंटरप्रेट करें, फिर आप लॉ देखिए क्या एप्लीकेबल है। तो इंस्टीट्यूट ने दिया तो है कुछ अच्छा, लेकिन आपको इक्वली टफ भी दिया है वो, तो ऐसे करके आपको मतलब एक सब्जेक्ट तो आपको लाइट पड़ेगा, तो आपको 7 subjects को ज़्यादा अच्छे से मैनेज करना है उसमें। चलिए बहुत अच्छा डिस्कशन ये जारी है हमारा, और हमने फाउंडेशन से लेके इंटरमीडिएट और फाइनल और आर्टिकलशिप ट्रेनिंग और ये सारी प्रैक्टिकल रिलीवेंस की बहुत सारी बातें करी हैं। और अब एक बार हम फिर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जो कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आए हैं विल टेक अप दोज क्वेश्चंस ऑफ द स्टूडेंट्स।